भाई ये जो हॉलीवुड मूवीज की भक्ति हम लोग दिन रात करते हैं, उसकी फैन फॉलोइंग का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है आप लोग जानते हो? यूनिवर्स बनाना जिसमें डीसी मार्वल दोनों चैंपियन एक फिल्म की कहानी को दूसरे से जोड़कर बेचारे फैंस को तीसरे फिल्म के लिए एक्साइटेड कर देना, बस ये फॉर्मूला पकड़ा है बॉलीवुड ने। और देखो ये एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल हुआ, उसका सबूत भी तुरंत मिल गया। पठान जिसके साथ ऑयर अपने ऑफिशियली स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत की थी, उसने बॉक्स ऑफिस पे फोड़ डाला भैया। फिल्म ने पूरी दुनिया में 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके शाहरुख खान का बादशाह वाली कुर्सी पे कमबैक करवा दिया। बस तब से ठीक उसी मोमेंट से जब से वो फिल्म खत्म हुई है, हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, अब क्या भैया आगे क्या होगा? जब हम सब जानते हैं टाइगर 3 सलमान खान दिवाली पे कमबैक कर रहे हैं, स्पाई यूनिवर्स एक नया चैप्टर अपने साथ लेकर आएंगे। शाहरुख भी सलमान के छोटे से कैमियो ने सिनेमा घरों को स्टेडियम में बदल दिया था पठान देखते वक्त। अब वो सेम चीज टाइगर 3 में भी रिपीट होगी। बट आज आइए खतरनाक टाइप की गुड न्यूज जो इस आमने सामने वाली लड़ाई को ट्रायंगल में बदलने जा रही है। ऋतिक रोशन वापस लौट रहे अपनी फेमस फिल्म बॉर्ड के सीक्वल के साथ, वो फिल्म जिसने एक ही दिन में 1/2 सेंचुरी मार दी थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। हम सब तो यही सोच रहे थे कि पार्ट 2 में टाइगर श्रॉफ वापस दिखेंगे कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाले में उनका तो डी एंड हो गया था। लेकिन फिल्म के मेकर्स तो हम सब से एक कदम आगे चले गए, क्योंकि इन लोगों ने एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर को भी बदल डाला। अयान मुखर्जी की स्पाई यूनिवर्स में एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, कोई फेक न्यूज नहीं है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है इस बात का। देखो मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ आप यही सोच रहे हो, ये बंदा तो लव स्टोरी बनाता है, ये कहाँ एक्शन बनाएगा। लेकिन एक बात भूल गए आप, इस बंदे की एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं है। ये जवानी है दीवानी हमेशा यंग ऑडियंस के लिए दबा का काम करती है, तो बैकअप सीट मोटिवेशन देती है बेटा जिंदगी में कुछ बड़ा करने का। अब ब्रह्मास्त्र ने तो इंडियन सिनेमा का गेम ही बदल डाला अपने धासु VFX के दम पर। बाकी बच गए एक्शन, तो बस सरप्राइज होने के लिए तैयार रही है, क्योंकि ऋतिक रोशन प्लस अयान मुखर्जी ये जोड़ी आग लगा सकती है। अभी तक अयान ने सिर्फ रणबीर के साथ काम किया है और दोनों की जोड़ी खूब जमती है, लेकिन ऋतिक रोशन के साथ में अलग जोन में एंट्री मारने वाले, जिसमें फैंस का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ स्पाई यूनिवर्स का स्टिकर। वैसे कुछ न्यूज तो ये भी आ रही की बॉर्ड में ऋतिक वर्सेस जॉन भी देखने को मिल सकता है, इस बात की पूरे पूरे चांसेस है। नादान है वो लोग जो इस बात पे यकीन करते कि पठान में जॉन का कैरेक्टर पहाड़ से नीचे गिर के मर गया। वैसे अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 और 3 भी अनाउंस कर दिए हैं, तो भैया ये बंदा इंडिया के बिगेस्ट डायरेक्टर में से एक हो सकता है कुछ सालों बाद। तो बताओ फिर बॉर्ड 2 का फ्यूचर आपको कैसा दिख रहा है? अभी पठान के रिकॉर्ड को चैलेंज करने वाली है ये फिल्म, या फिर अभी ये बोलना थोड़ी जल्दबाजी होगी? वैसे बॉर्ड 2 में ऋतिक वर्सेस जॉन ही देखना पसंद करोगे, या फिर दूसरी थ्योरी भी है आपके पास? नीचे लिख दो फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।